हेलो गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उर्फी जावेद और करण कुंद्रा के बारे में। तो दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करके बताया कि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। तो फर्स्ट टॉप 3 में मैं जिसे देखती हूँ वो है हमारी बिहार की रानी मनीषा रानी। शी इज रियली बिंदास, जो बोलती है दिल से बोलती है, बहुत ही प्योर लगती है मुझे। एंड दूसरा ऑफ कोर्स अपना फुकरा इंसान अभिषेक। उसने ना पूजा भट्ट जैसी एक्ट्रेस जो कि अपना करियर रीस्टार्ट करने आई है बिग बॉस से, उसको सुना दिया है यार। मतलब अगर वो उसको सुना सकते हैं ना तो वो कुछ भी कर सकता है लड़का। एंड थर्ड आई पिक अ वेरी अनपॉपुलर चॉइस, बेबिका। मतलब जितने फंकी कपड़े पहनती है ना वो उतना ही फंकी उसका एटीट्यूड है। और एक एक करके ना सारे गधों को सुनाया है इसने, अकेली बंदी ने। कोई भी मुद्दा हो वो अपना, मतलब बंदी ने पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अब तक रखा। मेरे हिसाब से एल्विश तो होगा ही क्योंकि उस बंदे ने आके सिस्टम हिला दिया, डेफिनेटली हिला दिया। आई लव हिम एंड मुझे लगता है कि यू नो हिज सैसी वन लाइनर्स जो रिप्लाईज देता है उसका एक अलग फैन बेस बन चुका है। नंबर टू मेरे हिसाब से हैज टू बी फुकरा इंसान। यार जो मर्जी कह लो बंदा दिल से खेलना है, स्टार्टिंग से उसने एक स्ट्रैटेजी मेंटेन किया है एंड इज प्लेइंग रियली वेल। नंबर थ्री वो जिया है एंड आई एम श्योर आप लोग अग्री करोगे मेरे से कि कुछ ना कुछ वो करती रहती है। वो जो जज्बा होता है ना गेम खेलने का, शो जीतने का, वो मुझे जिया में दिखता है। अब बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो आपको पता होगा कि कल जो टास्क हुआ था जिसको जीता था फुकरा इंसान ने, अब आपने देखा होगा कि जिया फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रही थी। पता नहीं अब जिया पार्टी बदल दी क्या। कल मनीषा एल्विस और जिया बात कर रहे थे तो जिया कहती है मनीषा को अभिषेक पाप कर रहा है यार। तो फुकरा कहते हैं क्या बोला, अभिषेक पाप कर रहा है मतलब? तो जिया कहती है हाँ सुबह क्या बोल रहा था तू मुझे जिया बहन। तो मनीषा कहती है हाँ जिया सिस्टर, अरे इसको मारो रे। जिया बोलती है ये सब करता है फिर एक्सेप्ट करता है कि टास्क में इसका साथ आ जाओ और आज तक इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो फुकरा कहते हैं ठीक है यार पूजा जी के साथ रह ले कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिया कहती है वो क्या नाम था तेरे दोस्त का थगेश, क्या बोलता है कि तुम जिया से दूर रहो क्योंकि जिया तभी आती है जब नॉमिनेशन नजदीक होता है। मैं बचाने आती हूँ, मैं अभिषेक को बचाती हूँ, मुझे कौन बचाता है। तो फुकरा इंसान कहते हैं अविनाश, बेचारा अविनाश कपड़े भी दे और नॉमिनेशन से भी बचाए फिर कुछ एक्सेप्ट भी ना करे तो कैसे चलेगा। फिर जिया कहती है प्लीज उसके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आया और ऐसी सिचुएशन में हम दोनों को साथ दिया है। तो फुकरा इंसान कहते हैं हम मजाक करते हैं यार, तुम मजाक को समझ, इस ग्रुप में मजाक को भी समझना होता है, इस ग्रुप में सिर्फ मजाक चलता है। और जो वो थगेश के ऊपर रिएक्ट की उसके ऊपर थगेश भी रिएक्ट किए और बोले बाप रे कितना सारा रोस्ट हो गया मेरा। और जिया और भी बात कर रही थी थगेश को लेकर, तो फिर थगेश ने रिएक्ट किया भाई ये अंदर बैठे बैठे मेरा नाम का क्लाउड ले रही है। इसके बाद दोस्तों कल बेबी का जिया को टोंट मारती है और कहती है कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। तो वहीं पे जिया होती है और कहती है तू क्या कर रही है बेटे, तू अपना देख, मेरे को जहाँ रहना है मैं रह लूंगी, ये तेरा घर नहीं है, इस घर में बहुत लोग रहते हैं। इसके बाद फिर बेबी का कहती है कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। फिर जिया कहती है मेरे को जिसके साथ रहना है मैं उसके साथ रहूंगी, मेरी मर्जी। तो बेबी का कहती है खुद का कुछ नहीं, पूंछ पकड़ो और आगे बढ़ो, खुद का पर्सनालिटी नहीं, कुछ वजह नहीं। तो जिया कहती है मेरी है ना, तूने विलन बना रखा है ना बस। तो गाइस कल बिग बॉस में हुआ था पनिशमेंट टास्क, गार्डन एरिया को पनिशमेंट जोन बनाया गया था। आपको पता है कि अभिषेक को टिकट टू फिनाले मिला है और अब वो इस घर में कैप्टन बने हुए हैं तो उनके स्पेशल पावर दिया गया है। तो इसमें बिग बॉस क्वेश्चन पूछेंगे फुकरा इंसान से कंटेस्टेंट को लेकर। पहला क्वेश्चन पूछा गया फुकरा इंसान से कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसने उनके मुताबिक काफी बुराई से, बुरे अंदाज से खेला है और उसे साफ सफाई की जरूरत है। और उन्होंने बेबिका का नाम लिया और फिर बेबिका को धोने पड़ गए पूरे घर के कपड़े। गाइस आप देख ही सकते हो कितने सारे कपड़े हैं। और फिर बेबिका के पास ज्यादा कपड़े देख एल्विस यादव उनकी थोड़ी मदद किए जैसे पानी लेकर आना। इसके बाद बिग बॉस ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि किसकी चमक खो गई है बिग बॉस में, तो उन्होंने नाम लिया मनीषा रानी का। फुकरा इंसान बोले कि जब वो घर में आई थी पहले दो हफ्ते वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो सबके साथ मजाक करती थी और अब उसका फोकस इंटरटेनमेंट से हटके सिर्फ ओपिनियन और लड़ाई झगड़ा में ज्यादा रहा है। तो मनीषा रानी को सजा मिली शूज पॉलिश करने का, वो घर वालों की शूज पॉलिश करती है। लेकिन इस पर एल्विस यादव फुकरा इंसान के इस फैसले से खुश नहीं है, उनको लगा कि फुकरा इंसान का मनीषा को चुनना सही नहीं था और वो फुकरा इंसान से बोले भी, लेकिन मनीषा बोलती है कि फुकरा इंसान का डिसीजन काइंड ऑफ फेयर था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा कि कौन घर में जो सबसे ज्यादा पीठ पीछे बात करता है, तो फुकरा इंसान ने नाम लिया
अविनाश और जिया का, पर वो फुकरा इंसान के इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें पनिशमेंट थी, जोकर बनकर सभी को जोक सुनाना था। लेकिन फिर जिया ने टास्क किया, लेकिन अविनाश ने इस टास्क को करने से ही मना कर दिया, तो इसकी वजह से थोड़ी लड़ाई शुरू हुई और अविनाश फुकरा इंसान से बोल दिए थे कि थोड़ा औकात में रहे। फिर फुकरा इंसान बोले कि देखो इतना बड़ा होके औकात में रहने की बात कर रहा है, और फिर मैं बोलता हूं तो बोलता है कि अभिषेक बदतमीज है। लेकिन ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। दोस्तों आपको अविनाश के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।